ख्याल आ गया मारो कैसे हो जी? किधर जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ मड़वा। मड़वा बकरी चराने? बकरी चराने, खानी बदोशी का काम है। अच्छा, कितने लेके आए? कठुआ से लेके। ओह वाह, कठुआ। ठीक है जी, ठीक है। चलते चलते माल मार गया फाके, शुमीना को जगह भी नहीं, थले पर खिड़की घुमा छी है। के करिए साडा क्या कुछ हो जाए ना? सही गल, क्या कर सकने? कुछ भी नहीं कर सकते भाई जी। एक ये फोटो खिंचा कर दसा। ये वैसे फोटो खिंच रहे लो, दिस रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज की एक और नई वीडियो में। सुबह के 10:30 का टाइम हो चुका है, हम यहाँ पर पहुँच चुके। जगह का नाम तो पता नहीं, बट ये जो रोड बनाते हैं ना, उनके यहाँ पर मतलब रहने की व्यवस्था है। तो भैया लोग आपको पता ही, कल जबरदस्ती यहाँ पर ले बोले हमारे पास ही रुको आज, तो उनके पास रुके थे। बहुत अच्छी नींद आई। अंदर का सिस्टम दिखा देते हैं। ये है जी, इन्होंने पूरा घर ही ले रखा है। यहाँ पर बिस्तर लगे थे, वहाँ मैं और मनी भाई सोए थे। एक बंदा यहाँ सोता उनका, और दो बंदे यहाँ सोए थे। हमारे चक्कर में बेचारे तंग होकर सोए, बट बोले भी, हमने बोला भी यार आप परेशान हो गए नहीं, कि बोला कोई चक्कर नहीं है, आप हमारे पास ही रुको। तो हम यहाँ पर रुके थे। तो फिलहाल अभी साइकिल ऊपर लेके जाने हैं, वहाँ पर सामान बांधेंगे और फिर निकल जाएंगे अपने आगे के सफ़र पर। प्रेमनगर यहाँ से 5-7 किलोमीटर ही होगा, तो शायद बाबा जी से जाते हुए मिलते जाएंगे। फिलहाल ये ना इधर के लोकल घर है, और इन्होंने किराए पर ले रखे थे, ऐसा कुछ है। और इधर से व्यू कुछ ऐसा है भाई, वो नीचे ना गद्दों से रेत निकाल रहे हैं, वो देखो। ओके ओके, गद्दों से ना रेत निकाल के बाहर रख रहे हैं, ऊपर कहीं भी जाओ बेच रहे हैं। और इधर ये भी एक फल है, देखने में ना आम के पेड़ जैसा लगता था, बट आम का पेड़ नहीं है। इस पे ना लगी हुई है छोटी छोटी डुमंडी डुंडी सी, पर नहीं क्या चीज़ है यार। भैया लोग चले गए हैं ना सुबह सुबह, नहीं तो उनसे मिलवाते भी और उनसे पूछते भी क्या चीज़ है। बाकी इन चीज़ों का पता है, ये तो आपको पता ही, गुलाब के फूल है। आह क्या गजब की खुशबू है। और इधर है जी ये अंगूर, अंगूर की बेलें लगी हुई हैं, ये देखो ये बेलें लगी हुई हैं अंगूर की, ये सारे अंगूर हैं इनका पता। उधर भी वो गुलाब लगे हुए हैं। बाकी ठीक है, ऐसे ही कुछ था। बाकी रात नींद बहुत ही मस्त है, क्योंकि कल थक चुके थे। 87 किलोमीटर का सफ़र निकाल दिया था हमने एक दिन में ही भाई। ढलान वाकई थी, पर ढलान के बाद भी हाइट अप डाउन चले जा रहा था, पर थकावट उतनी ही होगी थी जितनी पहले होती थी जाते हुए। जाते हुए सफ़र भी कम निकालते थे, आज उतना ज़्यादा निकाल दी, थकावट बहुत ज़्यादा हो गई। तो इस चक्कर में मस्त वाली नींद आई। फिलहाल सामान अपना रेडी है, और कल मेरी नंबर प्लेट टूट गई थी भाई अटकने के बाद, नीचे लाते लाते टूट गई थी, साइड में अटक गया। भैया लोग साइकिल उतार के लेके आए थे ना मेरा वाला, तो तब टूट गई है। ठीक है, फिलहाल अभी इसको बिल्कुल उतार देते हैं, और फिर दोबारा जब दोबारा सफ़र शुरू करेंगे ना, फिर लगवाएंगे। अब तो 2 दिन में हम उधमपुर पहुँच जाएंगे, 1 या 2 दिन में। उसके बाद फिर आपको कराएंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन अच्छे तरीके से कराएंगे, 4-5-6 दिन भी लगा सकते हैं। ठीक है यार, चलते हैं। और चलते नहीं, ऊपर जाके साइकिल सामान बांध के फिर मिलते हैं। हो गया, हम जा रहे हैं लद्दाख जाएंगे। लद्दाख जाएंगे भैया, अच्छा। वो सिंथन टॉप बंद था, इसलिए वापस आ गए हैं। तो सामान सारा पैक है, साइकिल बांध रहे हैं। और मनी भाई पता क्या बोल रहे हैं, वहाँ बोल रहे तो ठंड बहुत ज़्यादा है, यहाँ बोल रहे गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो मतलब समझ नहीं आ रही, बाकी हो भी ऐसे रहा। ऊपर बैठते बिल्कुल ठंड लग रही थी, यहाँ आगे गर्मी तगड़े वाली। और मेन बात, धूल मिट्टी वाले रास्ते में आ चुके हैं। डोडा तक रास्ता ऐसे ही रहना है ना मनी भाई? हाँ भाई, डोडा तक डोडा क्रॉस करके फिर साफ है, बिल्कुल फिर साफ आ जाएगा। बटोर से होकर बनिहाल टनल की तरफ से होकर फिर जाएंगे उधमपुर की तरफ। और अभी फिलहाल प्रेमनगर जाके खाना खाएंगे। और ये हालात है हमारे, देखो भाई नहाने धोने के बाद भी ऐसे हाल हो जाएंगे। और दूसरी बात भाई, कई दिन बाद नहाए ना, आज कुछ अलग सा लग रहा है मनी भी, है ना, अलग सा लग रहा है ना। रात ना आ रही था, मैं तो सुबह नहाया रहा, कल तो थक गए मैं, तो आते ही सो गया भाई। मैं मेरे से भाई नहाया जाएगा, थकावट बहुत ज्यादा हो गया, सफर 2-3 दिन का एक साथ निकाल दिया ना इस चक्कर में। चलते हैं भाई। लो जी, थोड़ा सा चले हैं, फिर दोबारा हाइट आ चुकी है, अभी ऊपर ऊपर जाना, उसके बाद फिर डलाने की, फिर हम प्रेमनगर पहुंच जाएंगे। और यहाँ कहीं कहीं ना ये मतलब ब्रिज वगैरह बन रहे ना, तो वहाँ पर हालात मारे हैं रस्तों के। बाकी ऊपर एक झरना, झरने से सीधा ट्रक नीचे लगा देते हैं और पानी भर जाता है भाई। ये तो बेनिफिट है, कोई मोटर नहीं चलानी, कोई इंजन नहीं चलाना, मजे से भाई आराम से आराम से। ओ तेरी क्या छींटे पा दिए सारे ऊपर यार, गाड़ियों वाले भी ना सच्ची। जिन भैया को चाबी देनी थी, चाब भैया भी मिल गए,
आपको भैया से ही मिलवाते हैं। कैसे है भैया जी? बढ़िया। क्या नाम भैया आपका? अनिकेत कोतवाल। अनिकेत भैया आपका? नितिन कोतवाल। नितिन कोतवाल। और तीसरे भैया किधर गए? वो अभी आगे पीछे गए। अच्छा आगे पीछे। वाह जी, जी। बस चलते यार, लेट हो जाएंगे, गर्मी है ना। प्रेमनगर में कर लेंगे हाँ, क्योंकि लेट हो जाएंगे ना। ठीक है, ओके भैया, बाय बाय। चलते हैं भाई, और हमारी वजह से जाम लग गया भाई, इधर बसें भी आ गई। अभी थोड़ी दूर निकले थे, मनी भाई के टायर में हवा देखी भाई, कम लग रही थी। मैंने बोला हवा कम है, अब ये नहीं पता अभी पंचर हो या हवा कम है। अभी एक बार दोबारा भर लिया, अगर दोबारा निकली तो फिर पंचर निकलेगा, है ना मनी भाई? हाँ भाई, अभी तो फिर आगे चेक करा लेंगे ना प्रेमनगर में। हाँ। अभी भर लिया, अब ठीक है, 4-5 किलोमीटर सफर पता भी लग जाएगा। चलो भाई, चलते चलते अपने दूसरे भैया मिल गए जो इधर उधर गए हुए थे ना सुबह, तो मिले। भैया नमस्कार, कैसे हो? नाम क्या भैया आपका? राजे राजपूत। वाह जी वाह, अजय राजपूत। ओके भैया, बराबर, थैंक यू भाई। चाबी वहां दे दी भैया को हमने। ठीक है भाई, मिलते हैं दोबारा कभी। ओके। ये जो साउंड है ना पत्थर तोड़ने के इन मशीनों का, ये चल रही है, एक आगे चल रही है, डक 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 डक, बड़ा मस्त लगता है, सच्ची मजा आता है। देखना कितना मजा आता भाई। व्यू तो वैसे ही तगड़े जैसे ऊपर थे, बस सिर्फ गर्मी गर्मी है ज्यादा। फाइनली प्रेमनगर पहुंच चुके, मैं सोच रहा था अभी नहीं आया, फिर मेरा ध्यान पड़ा उस मंदिर पर जो जाते हुए दिखाया था, और मैं कह हम तो पहुंच गए भाई प्रेमनगर। ये नीचे चराव रिवर है, ऊपर ब्रिज है, और वो परला भी प्रेमनगर है, ये इसकी मार्केट है। भैया कैसे हो? ठीक है भाई, अभी चलते आगे, खाना छाना खाते हैं, भूख लगी बहुत ही ज़्यादा भाई। सामने खड़े मनी भाई, शायद ढाबा इधर भाई, बाबा का ढाबा। लो जी, रेडी है जी अपना सुबह सुबह का खाना, दाल है साथ में, चटनी है, और इसमें मगज वगैरह डले हुए हैं। मगज मनी पता समझता है? तरबूज खरबूजे के ना, तरबूज खरबूजे उसके बीज होते हैं ना। हाँ। साथ में चपाती है, चपाती मिलने लगी है ना, तो मन को अलग ही खुशी होने लगी है, लाली आ गई मुंह पर, है ना। टाइम हो चुका जी 12 बजे के करीब, हम खाना पीना खा के आगे निकल आए थे, हमने सोचा बाबा जी को मिलते हुए चलेंगे। प्रेमनगर में ये वही बाबे का मतलब जगह है, माता जी का मंदिर है, जहाँ पर जाते हुए रुके थे, तो हमने सोचा बाबा जी को मिलके जाएंगे, बट यहाँ ताला लगा हुआ है ही नहीं है कोई। फिर हमने सोचा पानी भर के चलते हैं भाई, ये देखो भाई ताला लगा हुआ, वही मंदिर है। ठीक है, अगर बाबा जी वीडियो देख रहे होंगे ना, तो आपको मिल के जाना था, प्रणाम आपको। चले मनी भाई, बटोत कितना रह गया? 50 होगा। साइकिल भी परेशान करे जा रहे हैं, कुछ तो रास्ते खराब हैं, कुछ कभी अलग अलग आवाजें निकालता है, और कभी भाई चैन उतर जा रही है भाई। चढ़ जा भाई, चढ़ जा। चढ़ गई, धूल मिट्टी लग के ना रूखा सूखा हो जाता ना, तो इस वजह से चैन भी खराब होने लगी है, मतलब गियर शिफ्टिंग में दिक्कत आ रही है। एक बजने वाला भाई, अब एक रेस्ट ली थी पानी पीने की, अभी काफी देर से ना हाइट ही हाइट चले जा रही है, पता नहीं कहाँ तक हाइट मिलेगी, और गर्मी से पसीने निकल गए। कितना होगा मनी डोडा यहाँ से? रहेगा 10-11। 10-11 किलोमीटर रह गया भाई, और डोडा के बाद फिर शायद डलान है ना, ना अप है फिर डोडा के बाद, फिर डोडा के बाद फिर अप डाउन ऐसे ही चल रहा है। हमने सोचा नीचे उतरते आएंगे ना तो सारी डलान ही होगी, सब कुछ भूल गए। चलो चलते, चले भाई, चलो भाई, चलो भाई। ये पहाड़ी देखो भाई, पेड़ के समेत नीचे गिर गई है भाई, और ये जाली शाली सबको साथ में लेके आ गई है, रास्ते के बिल्कुल बीच में आ चुकी है। पहाड़ गिरते रहते हैं भाई, इधर कच्चे पहाड़ है ना, इनमें मिट्टी ज़्यादा है, तभी तो खेती वगैरह हो जाती है। ये सारी खेती योग्य ना
मतलब पहाड़ है इस साइड में देख सकते हो सीढ़ी नुमा, और आगे हल्के हल्के बादल हो गए, शायद मौसम ठंडा हो जाए थोड़ी बारिश हो के। मौसम देखो आगे कितना खुशनुमा हो गया भाई, पहाड़ों के ऊपर हल्के हल्के ना ठंडी ठंडी हवा आने लगी है, शायद आगे कहीं बारिश हुई है। गाड़ियों वाले पूरी तेज गाड़ियां लेके जाते हैं, धूल ही धूल कर देते हैं। सारा क्रीम पाउडर ना आज ही लग गया एक हफ्ते का, सारा जितना वहां पर रुके हुए थे धूल मिट्टी वाला भाई। सामने जो बादल से हो रखे ना वो सारे स्नो वाले माउंटेन्स है भाई, बट इतनी ज्यादा स्नो नहीं है जितनी पीछे सिंथन टॉप के आसपास थी भाई। और यहाँ फिलहाल अभी स्नोफॉल हो रही है, देखने में ऐसे लग रहा है, और बादल वाला मौसम हो गया ना तो बारिश भी होगी। व्यू देखो भाई कितना गजब का है, हरे हरे गेहूं के खेत है चारों तरफ, और इधर तो बॉडी अलग सी तरह के खेत है भाई, थोड़े थोड़े सीढ़ी नुमा और थोड़े थोड़े प्लेन से। नीचे चनावरी वाला डोडा रह गया, यहाँ से 3-4 किलोमीटर इतना ही रह गया होगा, आगे डोडा के ना कुछ मेन ऑफिस वगैरह देखने लग गए हैं। सामने है जी पुल डोडा, इस पुल का नाम है जी पुल डोडा, जहाँ पर जाते हुए खाना खाया था, और नीचे चनावरी और का खूबसूरत नजारा। यहाँ पर चनावरी और ना प्लेन सी हो जाती है, मतलब ज्यादा इसका बहाव तेज नहीं होता। लो जी वही ब्रिज आ चुका है जो पहले क्रॉस किया था, यहाँ से लेफ्ट साइड जाता है भद्रवा, चिंता, जयघाटी, बसोली, पानी की तरफ, और राइट जाना हमने डोडा आगे बटोत की तरफ। यहाँ पर रुक के थोड़ी बहुत चाय शाय पीते हैं, ये दुकान है यहाँ पर चाय पीते हैं, और ये मेन चौक है इधर का एक जो आपको दिखाया है। फिलहाल यहाँ जाम बहुत ज़्यादा लगता है भाई, क्योंकि इधर उधर भी गाड़ियाँ जाती हैं, उधर से सीधी भी जाती है, इधर भी जाना होता है, मेन सा रास्ता है ना, तो इसलिए। जय घाटी देखने में तो ऐसा कुछ लगा किसी वैली का नाम हो, जैसे घाटी बोलते हैं ना जय घाटी। और भद्रवा बहुत खूबसूरत है, सुना है 30 किलोमीटर है, दोबारा कभी आएंगे जरूर देखेंगे। इधर से फिर आगे शायद हिमाचल की तरफ रास्ता निकलता है सच पास की तरफ, इधर से होते जाता है, वो भी बड़ा डेंजरस रोड है, वो भी कभी जरूर करेंगे भाई, सारा एरिया धीरे धीरे आपको दिखाएंगे खूबसूरती से। फिलहाल मौसम खराब हो चुका है, ऊपर काफ़ी ज़्यादा और पीछे बारिश का माहौल पूरा तगड़ा बन गया, इधर भी बारिश आ सकती है। फिलहाल चाय पीते उसके बाद फिर निकलते हैं अपने आगे के सफ़र की तरफ। यहाँ बैठ के चाय पीते भैया की दुकान में, यहाँ से पीछे का व्यू देखा तो भाई बड़ा गजब बन गया। वो पुराना ब्रिज है बिल्कुल नदी के नीचे भी लेवल पर बना हुआ, ये किश्तवाड़ रिवर है, किश्तवाड़ से सॉरी भद्रवा रिवर है, भद्रवा भद्रवा की तरफ से आती है ना तो भद्रवा ही बोलते हैं। इधर ब्रिज का काम चल रहा है क्योंकि यहाँ हाईवे बनने वाला, तगड़ा टनल वगैरह बनेगी, और ऊपर माहौल देखो, और ये वाला ब्रिज देखो भाई साहब, बड़ी खूबसूरत लोकेशन है भाई यहाँ से, और सारा ऊपर है जी डोडा सिटी। एक तो हाइट, दूसरा आगे से तेज हवा चल रही है, पूरी पूरा फोर्स लगवा रही है भाई। लो जी हवा तेज की वजह से मनी भाई उतर गया नीचे, चल ही नहीं रहा, बहुत ही ज़्यादा जोर लगाना पड़ रहा है, मेरे को भी उतरना पड़ेगा भाई, नहीं चढ़ेगा। आगे तीखी धूप, तीखी हवा, तीखी चढ़ाई, और पीछे मौसम देखो भाई साहब, क्या मनमोहक दृश्य बना। नीचे चनाव रिवर, उसके ऊपर डोडा पुल, और ऊपर बादल ही बादल भाई, बादल गरज रहे हैं, बारिश आएगी भाई। जी पानी पीने के लिए असार के आसपास की कोई जगह, आगे बग्गर आएगा और उसके बाद फिर अपना बटोत आ जाएगा। फिलहाल मौसम कुछ ऐसा हो चुका है, सामने देखो बारिश वाला पूरा तगड़ा मौसम हो चुका है, और थोड़ी सी ठंडक हो चुकी है, थोड़ी राहत मिल रही है अभी। ठीक है फिलहाल यहाँ से पानी पीते हैं फिर चलते हैं भाई। अभी चनाव रिवर से ना अलग से रास्ते पे हैं, थोड़ा ऐसा टर्न करके जाएगा ना तो आगे फिर चनाव दोबारा आ जाएगी, ये कोई छोटा सा नाला टाइप है,
वो चल रहा है भाई, उसकी आवाज़ सुन सकते हो आप। और नीचे कोई मंदिर है, सीढ़ी नुमा रास्ते हैं भाई, इधर भी सीढ़ियाँ, इधर से भी नीचे जा सकते, उधर से भी नीचे आने का रास्ता है। कैसा लग रहा है? पानी की व्यवस्था है, मुंह धो के मजा आ गया ना। ओह, मौसम भी खराब हो गया मनी भाई। चार के करीब का टाइम हो चुका, पहुंच चुके जी। जगह का नाम है जी गनोटा मोड़, रामगढ़ बग्गर, जे एंड के। सामने ढाबा है राणा वैष्णो ढाबा, यहाँ से चाय शाय पीते हैं और फिर अपना सफ़र पूरा करेंगे। आगे मौसम ठंडा हो चुका है, अब थोड़ा मज़ा आ रहा है चलने में, अब कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे चले जा रहे हैं मस्ती से अपने। ये आ गई अपनी चाय गर्मा गर्म, मलाई मार के भाई। लो जी, बटोत के आसपास पहुंच चुके हैं भाई। अभी आगे पहुंच के ना 2-3 किलोमीटर गुरुद्वारा साहिब है, वहां पर रुकेंगे और यहां का माहौल भी दिखाएंगे, खूबसूरती दिखाएंगे। लगने लग गई यहाँ आ गया ना। ये कश्मीर में पड़ता है क्या? पता नहीं भाई यार, पीछे भाई 2-3 बाइक बता रहे थे कि ये एरिया थोड़ा सा कश्मीर में आता है, बाकी पता नहीं ठंड। वो बोल रहा था जहाँ ठंड लगेगी वो कश्मीर का एरिया हो जाएगा। हाँ, बाकी इसी भी चक्कर ना, बादल आए कुछ, शाम होगी ना तो इस चक्कर में भी ठंड लगने लगी है ना थोड़ी देर में। सूर्यदेव तो छिप ही गए हैं, बाकी ये है ना यही वजह शाम को ठंड हो जाती है भाई। आज का दिन अपना नेशनल हाईवे 224 के ऊपर, 224 के ऊपर, हाँ 44 लेफ्ट वाला रास्ता ना, पत्नी टॉप वाला रास्ता है जिससे हम पीछे आए थे और फिर आगे यहाँ गुरुद्वारे से पास खाना खाने गए थे ना, वो वाला रास्ता आ चुका है और फिर हम इस रास्ते गए थे भाई नीचे वाले। तो फिलहाल अभी वो सामने गुरुद्वारा, यहाँ पर मनी रुका, पता नहीं क्या चक्कर है, क्यों रुका भाई, क्यों रुका गुरुद्वारा? अच्छा, ओ मैं उस वो गुरुद्वारा समझ रहा था, वो पर छोटे वाला। ओहो, ये गलती होगी भाई, वो छोटा, वो पुराना गुरुद्वारा भाई। और ये जी मेन गुरुद्वारे की नया परिसर भाई, बन रहा है अभी, बाकी मिलते हैं थोड़ी देर बाद रहने की सेटिंग वगैरह करके। लो जी, रहने की व्यवस्था हो चुकी है, ये होल टाइम मिल चुका है, होल टाइम में साथ में एक कमरा ऐसा छोटा सा, यहाँ पर आराम से सो जाएंगे भाई, और लकड़ी का बना है, ठंड यहाँ पर लगेगी नहीं। ठीक है फिलहाल, अभी पहले सबसे नहाते हैं और फिर मिलते हैं बाद में आपको, अभी खाना वगैरह भी खाना, भूख लगी है बहुत ज़्यादा। लो जी, बढ़िया वाला स्नान हो चुका, ठंडा ठंडा पड़ रहा, बिल्कुल चिल्ड भाई, उसी में नहा लिया। अभी ऊपर सामान रखते हैं, कपड़े वगैरह मतलब तौलिया वगैरह, उसके बाद भी खाना खा के आते हैं। वो सामने ढाबा जी, सामने लो जी, आज की रात यहाँ पर कटेगी अपनी बड़ी मस्त वाली, ते पैसे ले लें। ठीक है, अभी जा रहे हैं हम खाना खाने, और यहाँ से भाई साहब साथ में छोटा सा झरना चलता है इधर नीचे, उसकी आवाज आती रहती है। वो सामने देखो सारा, बाहर से दिखाते हैं, लाइट आ गई ना। चलो भाई चलते हैं, और इधर थोड़ी ज़्यादा व्यवस्था, अगर ज़्यादा संगत भी आ जाए ना तो यहाँ आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट रह सकती है। ये वाला छोटा सा खूबसूरत सा झरना है, और ये वाला ढाबा, ढाबा पहले भी आपको दिखाया था, और ये शाम का माहौल है जी बटोत का, ठंडा सा इलाका है, कूल कूल सा इलाका, और उधर ज़्यादा बारिश वगैरह हो रही है, ऐसे मौसम लग रहा है। लो जी, रेडी है शाम का खाना अपना, आलू न्यूट्री, राजमा और साथ में चपाती। तो अभी टाइम हो चुका है रात का 9:45 का, और यहाँ का टेम्परेचर लगभग होगा इस टाइम 12-13 के करीब भाई, मतलब ठीक है, नॉर्मल है, ना ज़्यादा है ना कम है, बट पानी बहुत ठंडा था जिससे नहाए थे, तो ठीक है। फिलहाल पीछे झरने की आवाज़ आई जा रही है, पता नहीं नींद आएगी नहीं आएगी, कुछ भी पता नहीं है फिलहाल, अभी वीडियो एडिट करनी है, उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो आज की वीडियो को, आज हमें बटोत में, तो ये भी बताना जरूरी था ना, तो आज की वीडियो को यही ब्रांड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कल शायद हम पता नहीं कहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।